तो ये रहा फाइनली लुक, जो कि इस बार आप लोगों को न्यू लुक पे देखने को मिलेगा। ये रहा 30 बेस और मिड प्रेशर लगा हुआ है। तो फाइनली 500 केवी का डीजी आ चुका है, इसी से पूरा रोड शो होने वाला है। ये रहा, पंकज भैया भी आ चुके हैं, अब हो सकता है डीजी स्टार्ट होगा और टेस्टिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगा। छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। पंकज सीके भाई, 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, खला जादू करने वाली मंजुलिका है। कर बैठी क्योंकि अब पंकज डीजे चंदन क्यारी का भयानक बेस गिरने वाला है। दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों अभी हम लोग हैं चंदन क्यारी पे और सामने में देख सकते हैं ये रहा डीजी जो कि 500 केवी का आ चुका है। और इस साइड पे है आपका डीजे पंकज भैया का पूरा फुल सेटअप जो कि 30 बेस के साथ इस बार बिग रोड शो होने वाला है। बाकी देखिए ये रहा नज़ारा। और अभी कुछ देर बाद यहाँ पे होने वाला है साउंड टेस्टिंग, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, किस तरह से क्राउड रहेगा, जितने भी यहाँ पे भाई लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और ये रहा देखिए 500 केवी का ये रहा डीजी, इसी से अभी चलने वाला है आपका डीजे। तो चलिए सामने की ओर और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। बाकी देखिए ये रहा, इसी वायर से अभी पूरा बजने वाला है। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा, अभी ट्यूटर वगैरह का सारा चेकिंग हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। ये रहा भीड़, देखिए कुछ इस तरह से है। आप लोग भीड़ देखिए कैसा है और सबको अभी टेस्टिंग ही देखने के लिए आई हूँ कि किस तरह से 30 बेस में बजने वाला है, क्योंकि चंदन क्यारी में फर्स्ट टाइम 30 बेस का लगने वाला है। सेटअप लग चुका है और जितने भी लोकल के लड़के लोग हैं सबको आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए टेस्टिंग कि 30 बेस किस तरह से बजने वाला है। साथ ही में एम्पलीफायर वगैरह भी लगा हुआ है। ये रहा देखिए चारों तरफ का नज़ारा। तो ये रहा 30 बेस के साथ लगा हुआ है डीजे पंकज भैया का सेटअप। तो फाइनली 500 केवी का डीजे आ चुका है, इसी से पूरा रोड शो होने वाला है। ये रहा, उठा के लेके जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ। ये रहा, नहीं होगा नहीं होगा भाई। तो ये है दोस्तों डीजी जो कि आ चुका है, आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और वो रहा अभी सेटअप पंकज भैया का, जो कि अभी तिरपाल से ढका हुआ है फिलहाल, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है कि क्या ही बोले, कभी भी बारिश हो जा रहा है। पंकज भैया अभी आ चुके हैं, अब हो सकता है डीजी स्टार्ट होगा और टेस्टिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। दोस्तों फाइनली अभी वायरिंग हो चुका है, अब डीजी जा रहा है और होने वाला है
टेस्टिंग। तो ये रहा, चलिए अब सामने में हम लोग भी जितने भी यहाँ पे भाई लोग हैं अभी सब अब जा रहे हैं सामने में, क्योंकि अब होगा टेस्टिंग। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है अभी फिलहाल। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बजेगा भाई, तो इसीलिए तो अब होने वाला है। तो चलिए मत लगाओ नहीं तो हार जाओगे भाई, है ना। तो देखिए ये रहा डीजे, अब उस साइड पे लेके जाएंगे और टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हार्डली और 5 मिनट। देखिए सामने में अभी आ चुका है डीजे, अब उस साइड पे लगाने वाले हैं और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका साउंड। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा साउंड क्वालिटी है, किस तरह से बजने वाला है, मोंजलिका वाला सॉन्ग बजेगा कि नहीं। जगह पे था डीजे और देखिए अभी चलना अभी स्टार्ट हो चुका है डीजे। अब थोड़ा सा हम लोग भी वेट कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, बाकी कहाँ पे टेस्टिंग करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो तब से हम लोग वेट कर रहे थे, जो डीजे था वो आगे आगे जा रहा है और डीजे भी जो है वो भी निकल चुका है गोदाम से, पंकज भैया का। और देखिए ये रहा आपका डीजे सेटअप पूरा फुल। दोस्तों फाइनली देखिए अब स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे थे खाने के लिए, बाकी देखिए बेस का प्रेशर। Thank you.
नाक वाला का शीशा हिलने लगा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। पंकज सीके भाई। 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, खला जादू करने वाली मंजुलिका है। Thank you.